मैं पढ़ाने जा रहा था कौन, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी हालत आज पूरे दिन होली खेलने के बाद 1 घंटे पढ़ाने की नहीं है, कॉपी पेन उठाने की नहीं है, तो मैं समझ गया कि जो हालत सेम मेरी है, बच्चों ने मुझसे ज्यादा होली खेली होगी, हालत पढ़ने की उनकी भी नहीं होगी। इसीलिए मैंने कौन की क्लास को कैंसिल करके मैंने सोचा क्यों ना आप लेटे लेटे मोबाइल पे मुझे देख पाए, ऐसा क्या सेशन रखा जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बचे हुए 2 से 2.5 महीने में एसएससी सीजीएल की अपनी प्रिपरेशन को किस का लूंगा, मुश्किल से 7 से 8 से मैक्सिमम 10 मिनट, जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज तक अपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसको एक पेज पे लिख लीजिए कि आप कहां तक हैं। 2 बातें लिखिए, आप कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस का कितना हिस्सा मान लेते हैं पॉलिटी है उसका 50% कंप्लीट कर चुके हैं, एडवांस मैथ्स है उसका 100% कर चुके हैं, अर्थमेटिक है उसका 25% कर चुके हैं। अगर आप इतना कुछ कर चुके हैं तो एक कॉपी पे एक पेज पे लिखिए, उसके बाद आप कितने आए हैं ये आप लिखिए, और इन सबको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप सिलेबस का 70% टोटल ओवरऑल कर चुके हैं नहीं। अगर आप 70% नहीं कर चुके हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ आपने अब तक 30% सिलेबस ही कवर किया है, आपके मॉक में नंबर भी 90 और 100 हैं, तो किन हालातों में अब भी अगर सिलेक्शन लिया जा सकता है तो क्या करना पड़ेगा कि कम से कम आप पेपर की लास्ट स्टेज तक तो पहुंचे, चाहे आपकी छोटी से छोटी कोई भी पोस्ट तमिलनाडु में क्यों ना मिले। सबसे पहली चीज मैंने बताई कि नोट डाउन क्या पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। सेकंड थिंग अब क्या है कि अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें मैं पेपर में पढ़ के नहीं जाने वाला हूं। एनालिसिस लास्ट